भाई सबको ये शूट करेंगे, मैं आपको आगे से अच्छे तरीके से बताऊंगा कहाँ पे क्या क्या है। तो करो, करें, स्टार्ट करें। आपको सिर्फ सामने से फोन पकड़ना है, मैं अपने आप बोलता रहूंगा, ठीक है? तो आ जाओ, अभी अभी दिखाता हूँ आपको। ये आ जाओ, आगे आ जाओ। ये भाई एंटर करते ही ये एरिया है यहाँ पे अपना, यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है और ये अपना ड्राइंग एरिया है। यहाँ पे एलईडी वगैरह लगाई हुई है। ये सामान मतलब जो फर्निश कर रखा है ना, तो इस तरीके से बता रखा है कि भाई आप अपने फ्लैट को इस तरीके से फर्निश कर सकते हो। यहाँ पे मतलब जो डेकोरेशन वगैरह है, इंटीरियर जो किया हुआ है, ये सब कंपनी ने मतलब अपना सैम्पल फ्लैट बना रखा है, तो आप भी मतलब इस तरीके से कर सकते हो अपना। अपना झूमर वगैरह बहुत बढ़िया लगा है ना। और आगे लेके आओ जी, कॉर्नर वगैरह कितने बढ़िया। ये बालकनी है भाई, अच्छा लोप है ये शायद, ये लोप है ना यहाँ पे। ये बालकनी है भाई इसके साथ, अपने ड्राइंग एरिया के साथ। ये देखो यहाँ का व्यू खुल जाएगी ना ये, अभी ये खोल देता है भाई, फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। ओ ये भाई ऑटोमेटिक है, वहां से यहाँ से इन्होंने बटन प्रेस किया तो यहाँ से ये अलेक्सा से भी चलती है। ये अलेक्सा से भी चलती है? अच्छा हाँ, यहाँ पे भाई अलेक्सा भी लगा हुआ है, तो अलेक्सा से कनेक्ट है पूरा ये सारे। दैट्स गुड, एक्स्ट्रा लग्जरियस प्रॉपर्टी है भाई ये। और इसको ये कैसे खुलेगा? अच्छा ये भी भाई बटन से ही, वाओ ना, बटन से नहीं है भाई, ये मैनुअल है। ये देखो यार बढ़िया फीलिंग है यहाँ पे, पैक सैक लगाने हो तो मजाक कर रहा हूँ भाई, पैक सैक क्या, अपना चाय वाय पीनी हो सुबह सुबह, बढ़िया बढ़िया। काफी डेकोरेशन आइडिया भी काफी अच्छे अच्छे हैं, तो आ जाओ और काफी अच्छा है। आ जाओ ये भाई डाइनिंग टेबल है, 6 सीटर, बढ़िया। ये सोने की है किसी से मत है। ये देखो भाई बढ़िया 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 आइटम है, ये कैंडल्स बड़ी बड़ी। आओ अब आपको किचन दिखाते हैं, आ जाओ जी। ये भाई किचन एरिया है यहाँ पे, ना बढ़िया फ्रीज लगा हुआ है लग्जरी। तो भाई फ्लैट के साथ ये सारे सामान नहीं मिलता है, ये तो इन्होंने आइडिया दे रखा है डेकोरेशन की, कहाँ पे क्या रख सकते हैं, फ्रिज वगैरह एरिया कहाँ पे, मतलब स्टोव वगैरह है, ये अपना माइक्रोवेव है, यहाँ पे चिमनी लगी हुई है, और ये ड्रॉर बना के देते हैं भाई ये, तो है ना किचन फर्निश करके देते हैं, जो वुडन वर्क है ये करके देंगे आपको। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह है ये भी देते हैं। और ये भाई किचन के साथ बालकनी बढ़िया, वॉशिंग मशीन के लिए ये एरिया है अच्छा, बढ़िया पूरी मस्त। यहाँ पे एक पाइपलाइन है अभी वॉशिंग मशीन के लिए, यहाँ पे प्लग भी दे रखा है अलग से बिल्कुल। और आ जाओ चलते हैं अपना रूम की तरफ, सामने मिरर बढ़िया, अपना तैयार होके जाओ यहाँ देख के, लगा सकते हो अपने। यहाँ पे एसी लगा हुआ, एसी भी आपको मिलेंगे भाई, एसी ये लगा के देते हैं। और यहाँ पे ये एक वॉशरूम, ये कॉमन वॉशरूम बोल सकते हैं आप इसे, कॉमन एरिया वॉशरूम है ये, काफी अच्छा स्पेशियस है बढ़िया। यहाँ पे देखिए झूमर इतना बढ़िया लग रहा है ना, लाइट आ रही है पूरी। और भाई ये अपना है फर्स्ट बेडरूम, ये भी काफी अच्छा बेड दे रखा है, क्वीन साइज बेड होगा ना ये छोटा, लेट के देखा लियो तो ना, वो मजेदार कोनी टाइट गद्दा है बढ़िया, अपना टीवी लगा हुआ है बच्चों के लिए बढ़िया रूम है, जैसे उस टाइप से है। ये अलमीरा बना रखी है और एसी लगा हुआ है। नमस्ते जी, और आ जाओ जी सेकंड रूम दिखा देते हैं। ये देखो ये बेडरूम ये है, इसके साथ अपना अटैच वॉशरूम है बढ़िया, ये भी काफी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे भी एक यहाँ पे विंडो लगी हुई है, एंडी है ना जी, लेजर लाइट वाले सब बढ़िया, एडवांस लगा रखे हैं, अलेक्सा अलेक्सा से कनेक्ट है भी ये सब। सर्चिंग, आई डोंट सी एनीथिंग टू कनेक्ट। यस अलेक्सा, अलेक्सा लगी हुई है।
तो ये भाई अपना मास्टर बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम तो है स्पेशियस है, कितना बढ़िया मजेदार। इसके साथ बालकनी भी है भाई मास्टर बेडरूम के साथ, ये देखो रूप आओ जी पूजा कर दो, बहुत अच्छी ऑटोमेटिक शुरू हो गई। तो ये देखो भाई बालकनी एरिया अपना मस्त, ये उस रूम के साथ भी अटैच है, उस वाले रूम के साथ अटैच है ना जो हमने पहले रूम देखा था ना, उसके साथ भी अटैच है। आओ उधर से दिखाता हूँ आपको, मैं उठते से अपना ये देखो भाई यहाँ पे इसके साथ वॉशरूम और ये अलमीरा वाला एरिया, ग्लास वाले लगे हैं अलमीरा, और ये वॉशरूम, ये भी काफी अच्छा वॉशरूम है, अच्छा एरिया दे रखा है। ये स्टडी रूम है इसके साथ, एक स्टडी रूम के साथ बालकनी है, आप जो बैठ के दिखाओ इस पे, बेडरूम वाली थी वो उसके साथ कनेक्ट है, मतलब स्टडी रूम भी है अपना आराम से बढ़िया बैठने के लिए सोफा, स्टडी रूम का भी एरिया काफी अच्छा है। कैसे महसूस कर रहे हो? बढ़िया एक नंबर। आ जाओ इधर आ, झूला देख बीपीटीपी का, बीपीटीपी का झूला कौन सा? ओह वाओ इट्स सो नाइस। ये देखो भाई ये तो खैर अपने ऐड कर सकते हैं आप अपने तरीके से, बढ़िया पूरा है। मजा आ पूरा रहे बैठा रहे, लैपटॉप वगैरह अब काम करना, वीडियो एडिटिंग मजा आ जाए यहाँ पे। आ जाओ अभी आ जाओ, तो अभी भाई आगे आगे की तरफ ले आओ फोन थोड़ा सा, तो थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा पीछे है ना, हाँ अब ठीक है। तो भाई अभी मैं थोड़ा सा फ्लैट के बारे में बता देता हूँ, हमने अपना फ्लैट हाउस टूर किया, थोड़ा सा अच्छी लग्जरी प्रॉपर्टी है, काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस है, और जैसे अगर हम फ्लैट बाय करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा इसके साथ, जो इंटीरियर वर्क है वो कुछ नहीं मिलेगा, इंटीरियर वर्क मिलेगा सिर्फ अपना किचन में जो कवर्ड बने हुए हैं वो मिलेंगे, और हमें मिलेगा भाई एसी, एसी लगेगा यहाँ पे शायद दो और तीन रूम में पांच, हमें छह एसी मिलेंगे यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह सारी मिलेगी, और जो भी ये डेकोरेशन आइटम है ये कुछ नहीं मिलेगा। अगर मतलब कोई भी बाय करना चाहता हो तो ऑप्शन होता है, वो अलग कंडीशन पे उनके प्राइस ऐड हो जाते हैं यहाँ पे सब, तो वो उसके साथ मिलता है उस कंडीशन पे। अब फ्लैट के एरिया की बात करते हैं कि ये टोटल एरिया कितना होगा, तो ये फ्लैट का एरिया है टोटल 1800 स्क्वायर फीट के आसपास, मतलब टोटल 1800 स्क्वायर फीट ही है ये एरिया, और हमें 3 BHK प्लस स्टडी रूम, जिसके साथ हमें मिलेंगे 3 वॉशरूम, 2 अटैच वॉशरूम और 1 कॉमन एरिया वॉशरूम जो मिलेगा। तो यहाँ पे ये फ्लैट में सारी चीजें हैं, काफी अच्छा है, और अपना एक फ्लोर पे 2 यूनिट है, तो ये भी काफी अच्छा, मतलब खुला खुला है पूरा, ऐसे भीड़ भड़ाका मतलब उस तरीके से नहीं बना। आपको कैसे लगा आप हवा यहाँ की, वातावरण कैसा है? बढ़िया है, वो तो है ही, खुला एरिया, शांति है, खुला एरिया है, शांति वाला एरिया है बिल्कुल, और रोड के नियर बाय अच्छी प्रॉपर्टी है भाई, बढ़िया लिफ्ट है इसके साथ, 2 हमें लिफ्ट मिलती है साथ में। क्या लगा कमर्शियल बीपीटीपी के मार्केट भी है? हाँ मार्केट भी पास ही है, कमर्शियल सारा बसा हुआ एरिया है। कैसी लगी काफी यहाँ पे, मतलब इसके ये सेक्टर 37D में है गुड़गांव में, बीपीटीपी टेरा के नाम से, अभी लॉन्च होने वाला है प्रोजेक्ट, अभी इसका ओसी आने वाला है, तो अभी ये हमने उससे पहले आपको पूरा टूर करवाया है, जैसे ही ओसी आएगा तो आप मेरे से अपनी मेल, मेरे से अगर भाई अगर इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्टेड है तो मैं नीचे मेल आईडी मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बाकी आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन तो मैं फोन पे दे पाऊंगा, अगर या फिर फेस टू फेस मिलेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से दिखा सकते हैं, वीडियो में मतलब सारी चीज़ें दिखा भी नहीं सकते, अच्छे से कवर नहीं हो पाती है, अगर कोई लेना चाहेगा तो साथ मिलके पूरा दिन उसके साथ लगाएंगे और अच्छे से सारी चीज़ें बताएंगे। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी काफ़ी पसंद आई होगी, मेरे को तो काफ़ी पसंद आ रही है। अगर भाई वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो लाइक कर दो और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अगर कोई अपना सपनों का घर देख रहा है तो देख सकता है, कोई बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा फ्लैट है, काफ़ी अच्छा एरिया भी काफ़ी अच्छा है,
और प्राइस भी काफी है। प्राइस अगर आइडिया दे दूं तो मैं आपको 1.5 करोड़ के आसपास इसका प्राइस रहने वाला है, और मतलब प्लस माइनस जो भी थोड़ा बहुत होगा वो देख लेंगे आपके लिए। अगर मेरे से आप मिलते हो तो बेस्ट प्राइस दिलवाएंगे, गुड़गांव की जो बेस्ट डील हम करवाते हैं, और भाई चांद भाई साहब साथ हैं, करवा ही देंगे। कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या डिस्काउंट रहेगा, आप अपनी तरफ से कितना डिस्काउंट करवाओगे? मैं पीपीटी पे जो भी होगा मान सम्मान जरूर कम कराऊंगा। भाई साहब का मान सम्मान अलग है, और बाकी तो हम अपनी तरफ से पूरा करवाएंगे, और इनका वो अलग से रहेगा डिस्काउंट। थैंक यू सर। ओके ओके, चलो भाई अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और एक नई अच्छी प्रॉपर्टी जब मिलेगी तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। मैं मिस नहीं करता हूँ, जब भी मेरे को अच्छी प्रॉपर्टी लगती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेल आईडी से, बाकी वहाँ पे मैं आपके साथ नंबर शेयर करूँगा मैं अपना, और फिर बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो, जब तक के लिए शुक्रिया, राम राम, थैंक यू।